नगरी प्रशासन मंत्री और महापौर ने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन इंदौर में क्या अलग करें इसको लेकर एक बैठक का आयोजन कर दिया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन आने पर सभी को बधाई भी दी है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय और महापौर ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसके बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर कुछ अलग हटके करे, इसलिए इंदौर के सभी व्यापारियों से बात की गई है। सभी व्यापारी, सभी एसोसिएशन और सभी स्कूलों के सुझाव लिए जा रहे हैं। सभी जगह 22 जनवरी के दिन को अलग करने के लिए मंदिर, बिल्डिंग, होटल पर लाइट लगे, भगवान राम के मंदिरों की प्रतिकृति लगे, इसको लेकर सुझाव सामने आए हैं। अनेक जगहों पर भंडारे भी होंगे, मिठाइयां बांटी जाएगी, पूरा शहर राममय उस दिन हो जाएगा। इसके साथ ही इंदौर कुछ अलग हटके करे इसको लेकर शहर के सारे पार्षद क्षेत्र में बच्चों के साथ में चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित करेंगे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज करने की भी कोशिश की जाएगी। 1,11,00,000 दिए इंदौर में लगेंगे, घर घर में दिए लगेंगे और सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में, जैसे हमारे मधु भैया ने कहा कि 25,00,000 दिए मैं अपने विधानसभा में लगाऊंगा, अब बाकी सब विधायक भी अगर 25-25,00,000 लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ क्या 2 करोड़ दिए लग जाएंगे, पर हमने 1,08,00,000 दिए लगाने का आज निर्णय लिया है। 11 तारीख का निमंत्रण आ गया है हमें, मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर वन है और महू कैंटोनमेंट, छोटी नगर पालिकाओं में कैंटोनमेंट महू में भी स्वच्छता में इस बार बाजी मारी है। ये बहुत अच्छी बात है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इंदौर का पड़ोसी महू ने इंदौर से सीख लेकर और ये पुरस्कार अर्जित किया है, मैं महू के लोगों को भी बधाई देता हूँ। मैं सबसे पहले महापौर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इंदौर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, नगर निगम के सभी कर्मचारियों और विशेषकर सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ कि लगातार 7वीं बार स्वच्छता में इंदौर नंबर वन आया है और उसके लिए हम बधाई भी देते हैं। साथ ही 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, सारी देश ही नहीं सारी दुनिया में उत्सव मन रहा है, पर इंदौर में कुछ अलग हटके बने इसलिए हमने इंदौर के सभी व्यापारियों को माननीय महापौर जी से निवेदन किया था कि आप आमंत्रित करें जिससे उनके सुझाव आएँ। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इंदौर के सभी व्यापारी, सभी एसोसिएशन, सभी स्कूल, उसके सब संचालक यहाँ पर आए थे और सभी ने बहुत सकारात्मक सुझाव दिए हैं। इंदौर के सभी मंदिरों पर लाइट लगे, सभी बिल्डिंगों पर लाइट लगे, सभी होटल्स में लाइट लगे, सभी होटल्स में भगवान राम की मंदिर की पूरी प्रतिकृति लगे, इस प्रकार के सुझाव आए और मंदिर बनाने वाले भी यहाँ पर आ गए और होटल्स एसोसिएशन ने भी कह दिया कि हाँ हमारे होटल्स में हम मंदिर लगाएंगे और उत्सव मनाएंगे। अनेक जगह पर भंडारे होंगे, मिठाइयाँ बटेगी, पूरा शहर राममय होगा, पर इसके साथ ही इंदौर कुछ अलग हटके करे तो कुछ सुझाव आए कि सारे पार्षद अपने अपने वार्डों के अंदर बच्चों से राम मंदिर से संबंधित, भगवान राम से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और एक अभी तक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वह है 22,000 बच्चों ने चित्र बनाए हैं। हम 31,000 बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, भगवान राम, भगवान राम मंदिर, इन सब से संबंधित एक ही विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश करेंगे और नगर निगम के महापौर जी ने जवाबदारी ली है इस बात की कि नगर निगम उसको होस्ट करेगा। फिर हमारे मुक्तेश्वर सिंह जी, जो कि एमराल्ड हाइट्स के संचालक हैं, राजेश मेहता जी जो शिशुकुंज के संचालक हैं, उन सब लोगों ने कहा कि हम CBSE के 31,000 बच्चे ले आएंगे, तो हम CBSE के 31,000 बच्चे, हम कोशिश करेंगे कि शासकीय स्कूल के भी बच्चे इसमें सम्मिलित हो,
तो ये संख्या बड़ी भी हो सकती है या दोनों का हम अलग अलग भी करा सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इंदौर एक रिकॉर्ड और बनाए, इसीलिए आज बैठक आयोजित की गई थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बड़े सकारात्मक सुझाव आए, महापौर जी ने बड़े एग्रेसिव तरीके से इस बैठक में नगर निगम की सहभागिता स्वीकारी है और इंदौर के सभी संगठनों ने, चाहे व्यापारी संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे स्कूल्स के संगठन हो, होटल संगठन, सभी ने बहुत सकारात्मक रूप से इस राम मंदिर महोत्सव में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करने का विश्वास दिलाया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।